उज्जैन के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में कई वर्षों से कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर प्लाट मकान बेचने का काम चल रहा है। अब हुई FIR। उज्जैन के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत क्षेत्र और बाईपास रोड सहित सिंहस्थ जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है। मकान बनाकर बेचे जा रहे हैं और खरीदने बेचने का काम तेजी से किया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात हल्के में पदस्थ पटवारी सब कुछ जानकर अनजान बने हुए रहते हैं और अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं। बगैर शासकीय स्वीकृति के बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कॉलोनी कटने और मकान प्लाट बेचने का काम किया जा रहा है। अब चिंतामन जवासिया क्षेत्र में पदस्थ पटवारी को बरसों बाद संज्ञान आया। मामला उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर मकान बनाकर बेच दिए गए और कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर मकान खरीदने बेचने का काम चल रहा है। फिलहाल क्षेत्रीय पटवारी की रिपोर्ट पर चिंतामन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार से उज्जैन के चिंतामन गणेश थाना क्षेत्र में चिंतामन थाने ने पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है, क्षेत्र के यहाँ के जो पटवारी थे उनकी लिखित में शिकायत के बाद पुलिस ने करीब 5 से ज़्यादा जो है कॉलोनी काटने वाले, कॉलोनियों में मकान बनाकर बेचने वाले लोगों पर मामला दर्ज किया है। और पुलिस पूरे इस मामले की अब बारीकी से जांच कर रही है, किस प्रकार से इन लोगों पर कार्रवाई होगी और किस प्रकार से जो है पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी उसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है यहाँ के थाना प्रभारी प्रवीण जी पाठक साहब। किस प्रकार से यह जो पूरा मामला अब जो है पुलिस के द्वारा हैंडल किया जाएगा और किस प्रकार से कार्रवाई होगी और आगे क्या रहेगा? सर, किस प्रकार से यह मामला आया और अब किस प्रकार से क्या रहेगा? यहाँ के हल्का पटवारी चेतन मालवीय रहते हैं, जिन्होंने हमको लिखित में आवेदन दिया था कि ये 6-7 लोग हैं जिनके अलग अलग कॉलोनी हैं, जिन्होंने कॉलोनियों को अवैध रूप से काटा है, उनके विरुद्ध हमने पंचायती राज अधिनियम के धारा 61 घ के अंदर हमने उनको उनके ऊपर पंजीबद्ध किए हैं मुकदमे, और अब आगे उसको हम लेंगे, जाँच करेंगे। तो देखा किस प्रकार से जो प्रवीण जी पाठक जो यहाँ के थाना प्रभारी है उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो पूरा जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो पटवारी थे उन्होंने पूरा मामला जो है बताया और इस प्रकार से जो अब मामला दर्ज हो चुका है ऐसे लोगों पर जो इस क्षेत्र में कॉलोनियाँ काट रहे थे और कॉलोनियाँ की परमिशन नहीं थी, स्वीकृति नहीं थी और पूर्ण रूप से शासकीय दस्तावेज भी इनके पास नहीं थे। अब पुलिस ने पूरा मामला जो है जाँच में ले लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।